नालांमांजामुळे अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले तर काहींना मोठ्या दुखापतीचा सामना करावा लागला. या सर्व घटना बघता जरीपटका पोलीस स्टेशन अंतर्गत एक विशेष मोहीम राबवल्या जात आहे. बघूया काय आहे ती विशेष मोहीम. संक्रांत आली की पतंग शौकीन नायलॉन मांजाची खरेदी करतात. नायलॉन मांजावर बंदी असली तरी अवैध पद्धतीने मांजा खरेदी विक्री केल्या जाते आणि हाच नायलॉन मांजा पशुपक्षी वाहन चालक यांच्यासाठी जीवघेणा ठरतो. मागील वर्षी एका 13 वर्षीय मुलाला नायलॉन मांजामुळे आपला जीव गमवावा लागला. अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून जरीपटका पोलीस स्टेशन अंतर्गत मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर चौकाचौकात ऑटो रिक्षावर बॅनर लावून जनजागृती करण्यात येत आहे. हाँ, ऐसे ही है. गए साल दिसंबर में जरीपटका में पहली घटना हुई थी. एक 13 साल का लड़का था शाहू, पुलिस स्टेशन के हद में रहता था. उसका नायलॉन मांजे से गला कट के उसका मौत हो गई थी. तो वो एक बहुत ही इशू हुआ था उस टाइम. वो उस टाइम में हमने हर जगह बैनर लगा के और लोगों को ये किया था कि ये नायलॉन मांजे का इस्तेमाल न करें. इस साल हमने एक हफ्ते पहले ही नायलॉन मांजे के ऊपर लोगों में जन जागृति और कार्रवाई की प्रोग्राम चालू किए हैं. उसमें हमने बैनर बनाए हैं और वो बैनर रिक्शा पे और हर चौक में लगा है.